बैठक पर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या तय किया इस बैठक में? देखिए, हिमाचल प्रदेश सुअर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियों के रिजल्ट्स को लेके कैबिनेट सब कमेटी फॉर्म की गई थी, जिसमें मेरे अलावा हर्षवर्धन चौहान जी, जगत सिंह नेगी जी, विक्रमादित्य सिंह जी और गोमा जी, उसके पांच सदस्य ये कमेटी थी। और उसकी मीटिंग हुई और हमारे ऑफिसर्स जो हैं लॉ साइड से भी और हमारे डिपार्टमेंट साइड से भी ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया। और उसमें हमने सारा जो जो भी भर्तियां हुई हैं उसका ओवरऑल व्यू तो लिया, लेकिन जो पोस्ट कोड 817 है उसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया, क्योंकि उसमें जो है 2.25 लाख के आसपास बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और 1 लाख से अधिक बच्चे उसमें एग्ज़ाम में बाद में बैठे थे, और उनमें से 4500 के आसपास बच्चे स्क्रीनिंग में पहुंचे और 1867 के आसपास जो है पोस्टें थी जिन पे सिलेक्शंस होनी हैं। और उसमें विजिलेंस का व्यू भी लिया गया, डिपार्टमेंट का व्यू भी लिया गया, और उसके बाद हमने पाया कि ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था प्रदेश में, और इसमें लगभग 7 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है या जो बेल पे हैं या जेल में हैं, लेकिन एग्ज़ाम बहुत बड़ा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी जो उसमें समय पे फैसले आए उनका भी अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो उसको इस आधार पे रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई किसी जगह कोई गड़बड़ी हुई हो। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेने के बाद और 9 महीने पहले FIR हुई थी, 9 महीने के बाद भी अभी तक कोई कंक्रीट रिज़ल्ट पे हम पहुंच नहीं पाए हैं विजिलेंस के लोग। और उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी इस व्यू की है, और ये हमारा यूनानिमस व्यू है सबका कि हम 817 का जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट के सामने भेज रहे हैं। हम अब तक का जो व्यू है कि ये जो लटका हुआ मसला था पूरे डेलिब्रेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद और कानून का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजा पे पहुँचे हैं पांचों लोग कि हम रिकमेंडेशन देंगे कि 7 पोस्टें खाली रखी जाएं और बाकी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। अब ये फुल कैबिनेट के सामने जाएगा और उसमें जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर, करेगा कौन ये कंडक्टिंग एजेंसी करेगी? नहीं, वो तो जिसको भी करना है सरकार के अपने जो है विंग्स हैं जिसमें रिज़ल्ट डिक्लेयर करने हैं, वो अलग मसला है। सवाल अभी तक ये था कि क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए या रोका जाए, तो उसका फुल लेंथ अध्ययन करने के बाद और इसका आकार देखते हुए कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, प्रदेश के यूथ ने को जो है नौकरी उपलब्ध हो और वो अननेसेसरली डिले होता जा रहा है, तो अगर 7 लोग इसमें शामिल पाए गए हैं अब तक या उनके खिलाफ जो है FIR हुई है, उसे बाकी जो है बच्चे जो हैं उनको नौकरी ना मिले लंबे अरसे तक, ये जो है न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने तो एक जो है व्यू ले लिया है कैबिनेट सब कमेटी ने, हम अपनी रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट को भेजेंगे और वहाँ पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सर इसके अलावा भी जो अन्य भर्ती आए जिनके परिणाम आने हैं उसको लेकर भी कोई नहीं, देखिए अभी हमारा ये कमेटी बनी है और इसकी समय समय पर मीटिंग्स होनी है, तो अभी तक हमने सिर्फ 817 का अध्ययन किया है, उस पर हमने रिकमेंडेशन दी है। और कोड भी है इसमें GOIT में ही, अन्य कोड नहीं, अन्य कोड भी हैं, और लेकिन ऐसा है कि कुछ में भर्तियां, कुछ का एग्ज़ाम हुआ नहीं था और कुछ में जो है दूसरी कमेटी है उनके भी रिकमेंडेशंस हैं, वो आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। आज क्योंकि जितना समय हमने इस डेलीब्रेशन के लिए निर्धारित किया था वो समय अब पूरा हो गया है और आगे हम माननीय मंत्रियों की अगली मीटिंग्स भी हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग में बाकी एजेंडा कैरी किया जाएगा। आज की तारीख में हम 817 के